ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। क्या आप भी अपने घर में रख रखे हैं शिव पुराण? जानिए घर में शिव पुराण रखने से क्या होता है। शिव पुराण में वर्णित है कि शिव पुराण एक बार पाठ करने से या सुनने मात्र से सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन व्यक्ति भक्ति पाता है और भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा सुनने या फिर पढ़ने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार पढ़ने या सुनने मात्र से मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्धि बुद्धि से इस पुराण को 5 बार पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने शिव पुराण को 7 बार पढ़कर भगवान शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया, क्योंकि यह श्रेष्ठ महाशिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन में शिव महापुराण का पाठ करने से क्या होता है? तो दोस्तों, सावन में प्रतिदिन शिव महापुराण को पढ़ने या सुनने से विशेष फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि शिव पुराण पढ़ने से भाग तो जाग ही जाता है, साथ ही इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत होती है और सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। शिव पुराण 18 पुराण में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण पढ़ने से जीवन के लगभग सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं और जीवन में सुख प्रदान करते हैं, क्योंकि जिनके घर में शिव पुराण होती है उनके घर में साक्षात महादेव होते हैं। हर हर महादेव।